महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में CAA NRC NPR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। 62 दिन ये विरोध प्रदर्शन करने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। जिस वक्त मुंब्रा शाहीन बाग में प्रोटेस्ट स्थगित किया गया था, उस वक्त प्रदर्शनकारी महिलाएं मीडिया से बात नहीं कर पाई थीं और आज उन महिलाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जानकारी दी है कि दोबारा अपना प्रदर्शन कोरोना का खतरा टल जाने के बाद शुरू करेंगी। और प्रदर्शन स्थगित करने और फिर दोबारा से इसे शुरू करने में उनका साथ अमन कमेटी कर रही है। मुंब्रा शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जानकारी दी है, सुनिए। मुंब्रा का शाहीन बाग, हम लोगों ने अभी 64 डेज है आज, हम लोगों ने 63 डेज से जो भी मेहनतें की वहाँ पे, है ना, हम इस काले कानून के खिलाफ थे। NRC NPR को तो हमें वापस करना ही है, ये CA हम इसे काला कानून समझते हैं। तो हम इस वजह से एहतजाज में बैठे थे जो हमारा संवैधानिक हक भी है, लेकिन अब जितने कोरोना वायरस की वजह से जो पूरा मुल्क पर पूरा असर है, पूरी दुनिया पर इसका असर है और इस वजह से पूरी दुनिया परेशान है, तो और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ इसलिए मैं समझती हूँ अच्छी तरह से इसकी नवियत क्या है। और हमने मुंब्रा शाहीन बाग के भी लोगों को शाहीन बाग के ज़रिए अवेयर करना चाहा, लोगों को डिस्टेंस क्या रखना, किस तरह से हाइजीन को मेंटेन करना, किस तरह से मास्क वगैरह लगाना कितना ज़रूरी है, और ये सारी बातें समझाई थी। 2-3 दिन से हम समझा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जब कहा कि कर्फ्यू भी लागू हो रहा है इसीलिए, और WHO की जो बातें हिदायतें आई है, तो बिल्कुल हम प्रशासन को इस लाइन से हम प्रशासन के साथ हैं, क्योंकि लोगों की जान बचेगी, जान रहेगी तो जहान है ना। तो हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस के लिए लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह से उन्होंने हेल्थ को मेंटेन करना है। तो हम जो ज़िम्मेदार बहनें हैं कुछ वहाँ पे बैठे, हम लोगों ने गुफ्तगु भी की, कुछ उलेमा के साथ भी हमने बातें की, जिससे नतीजे पे ये था कि हमें यहाँ किस तरह से इस हमारी मुहिम को, हमारी तंजीम प्रोटेस्ट को किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो हमने ये सोचा कि इसको सिंबॉलिक आगे बढ़ाया जाए और फिलहाल सब बहनों को और सब पूरे मुंब्रा वासियों को अपने अपने घरों में चले जाओ और इस तरह से आइसोलेट कर लो अपने आप को, जो कि हम कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने आप की भी हिफाज़त करें और लोगों की भी हिफाज़त करें। तो हमने ये फैसला लिया। तो आप लोग कैसे फिर ये जो विरोध प्रदर्शन था कैसे स्थगित किए इसको? फिर स्थगित करने से पहले हमने हमारे उलेमा से बात की, हमने मुफ्ती बासित के ज़रिए बात की और हमने हमारे व्यूज़ बताए उनको, तो उनको भी ये बात अपील लगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक, आप सही बात है, इस तरह से होना चाहिए। हमने महिलाओं का जो है ये प्रोटेस्ट था, 63-64 दिन आप लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, तो फिर आप लोग फिर जब ये स्थगित कर रहे थे तो आप लोग मीडिया से रूबरू क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं मीडिया को बताया आप लोगों ने? उस वक्त हमको मुफ्ती बासित ने कहा था, जबकि हमारी खास गुफ्तगु आधे घंटे तक हुई, इसके बावजूद उन्होंने कहा मीडिया से बात नहीं करना, जो हम भी चाहते थे आपसे बात करना, लेकिन आप लोग दिखे ही नहीं हमको, लाइट भी बाहर की ऑफ की गई थी, कहीं कोने में आप दूर खड़े थे शायद, लेकिन हम जब बाहर निकले तो इट वॉज, लेकिन हमारा भी वो डिसीजन था, मतलब अगर पुलिस प्रशासन ने हमसे अगर मुलाकात करते तो हम ज़रूर उनसे बात करते और हमें ज़रूर उनको ये बात बताते, लेकिन मुफ्ती बासित ने ज़िम्मेदारी ली और हमारे उलेमा को हम रिस्पेक्ट देते, वो हमारी ही मन की बात थी, लेकिन उन्होंने किस तरह से डिसीजन लिया ये मुझे नहीं मिली, आप उनको पूछिए। और मैंने लेकिन इस बारे में अमन कमेटी के प्रेसिडेंट जो है फरीद शेख साहब, उनसे बात की, फ़ोन पे मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे बात समझाई, कुछ हमारी बातचीत। आप लोगों की तरफ से पुलिस प्रशासन से किसने बात किया था कि हम प्रोटेस्ट को जो है स्थगित कर रहे हैं और फिर ये जो है ख़त्म होने के बाद, यानी संक्रमण जो वायरस है ये ख़त्म होने के बाद आप दोबारा जो है वहाँ बैठेंगे, क्योंकि आप लोगों ने चप्पल वहाँ पर ही छोड़ कर आए हैं, तो किसने बात की थी आप लोगों की तरफ से? ऐसा आप लोग बोल रहे हैं कि अभी हमको इतनी जानकारी नहीं थी, तो फिर आखिर बात कितने की? नहीं, वहाँ जी लोकली वहाँ जो बात हुई वो सिर्फ हमारी मुफ्ती बासित से हुई, और ऐसी लेकिन मेरे नहीं कुछ भी नहीं थी, वो अचानक से आकर कहा कि अभी जाना है, तो हम लोग थोड़ा सा सरप्राइज थे, जबकि ये बहनें वहाँ मौजूद थी, वहाँ थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई थी बस एक फ्रेश होने के लिए, उतनी देर में ये बहनें मौजूद थी, आप इनसे पूछ सकते हैं उस वक्त कोई था? उस वक्त हम लोग थे हाँ। और आकर मतलब इन्हें पूछे, इन्होंने
ये इसके बारे में कोरोना का ये है ना, इसके लिए हमको बताए, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर और प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग वहाँ से नहीं किए। क्या लग रहा है आप लोगों को ऐसा कि क्या कुछ राजनीति हुई है क्या इसमें? नहीं, हम लोग हमारे उलमाओं से हम लोग इन्हें सहमत है, हमारा सब आपस में। देखिए, जहाँ चार बर्तन होते हैं तो टक्कर हो जाती है, हम इतना ही समझते हैं इस बात को, क्योंकि ये सब माओं का कॉल है, माओ की तंजीम है और माओ ने इस बारे में बोलना चाहिए, लेकिन माँ हमेशा ही बच्चों के गलतियों पर पर्दा डालती है। तो कुछ बातें छोटी मोटी हुई थी, बट इज़ ओके। ये जो मेजर हमारी नज़र के सामने मुद्दा बहुत बड़ा था, हम इस कानून के खिलाफ लड़ने आए थे, आपस में हमें कुछ भी बुरा माने, हमने बुरा किसी भी चीज़ का नहीं माना, हम बहुत फेयर है, बर्दाश्त कर रहे हैं, वो इसलिए कि कल हमारे ही बच्चों को अच्छा मुल्क मिले। तो अभी आप लोगों की जो है जिम्मेदारी, जैसे आप लोगों ने तो प्रोटेस्ट स्थगित कर दिया है, लेकिन अभी दोबारा बैठने के लिए और आप लोगों को जो स्थगित कराया गया है और दोबारा बैठाने के लिए, फिर आखिर ये जिम्मेदारी जो है किसने ली? मैंने अमन कमेटी को फ़ोन किया था, जैसे फरीद शेख साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने जिम्मेदारी ली और बाहर जो पुलिस मौजूद थी, हाँ, पुलिस ने भी ये जिम्मेदारी ली कि हम आपकी, हमने जैसे सिंबॉलिक तौर पर वहाँ चप्पलें रखी है कि हम चप्पल रख के जा रहे हैं, हम नहीं जिद, कोई भी हमारी कोई भी जिद नहीं थी, हम अपने घर जा रहे, लेकिन हमारी चप्पलें यहाँ रहेंगी, जिस तरह से सिम्बॉलिक हमें ये प्रोटेस्ट जारी रखना है। तो पुलिस ने भी हमें वादा किया और ख़ास करके फरीद शेख साहब ने ये वादा किया है कि आप फिक्र ना करें, जब कोरोना वायरस का ये सब ख़त्म हो जाएगा, जब इंडिया सेफ हो जाएगी, उसके बाद आप अपना एहतजाज शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने हमसे वादा किया है, प्रशासन ने भी है, कमिश्नर साहब से भी, कमिश्नर हैं, इनसे भी क्या बातचीत वगैरह हुई थी? डायरेक्टली हमारी बात नहीं हुई, लेकिन फरीद शेख के ज़रिए बात हुई। बस उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि 31 के बाद आप लोग आ सकते हैं वापस, और आपका शाइन वर्क जैसा है वैसा ही रहेगा, आप लोग आके फिर ज्वाइन करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, हम उसको संभालेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।